Now we talk about the properties of liquid and properties of gas. So liquids. See, liquids के बारे में first point हम लिखेंगे liquid. Liquid does not have fixed shape, but have fixed volume. See, liquid का shape fix नहीं होता है, लेकिन उनका volume fix होता है. अगर आप suppose 1 liter water लेते हैं, 1 liter water यानी volume कैसा हो गया? Fix हो गया. अब इस पानी को आप गोल bottle में रखें, चाहे broad में रखें, चाहे आप उसका सुराहीदार बर्तन ले लें, उसमें रखें, वो कैसा रहेगा? उस container के accordingly हो जाएगा. So that is why हम बोल सकते हैं कि उनका liquid का shape नहीं होता है, लेकिन volume fix होता है. So लेकिन solid में कैसा था? Shape भी fix था और volume भी fix था. But here the volume is fixed, but the shape is not fixed. Second point की बात करते हैं. Liquid cannot compressed much. हम इसको ज़्यादा compress नहीं कर सकते, बहुत slightly level पे हम इसको compress कर सकते हैं, लेकिन बहुत extent में इसको compress नहीं किया जा सकता है. Third point की बात करते हैं. Liquid is less denser than solid. सॉलिड से इनकी डेंसिटी स्लाइटली कम होती है. क्यों? क्योंकि सॉलिड का सॉलिड होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मास ज्यादा होता है. इस वजह से लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम हो जाता है, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली सॉलिड से कम रहता है लिक्विड्स में. फोर्थ नंबर पे बात करते हैं. लिक्विड कैन नॉट फिल container completely. अपने कंटेनर को वो पूरी तरह से फिल नहीं करता है. कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है और आपने अगर 1 liter वाटर ही लिया है तो वो सिर्फ उतना ही भरेगा. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिक्विड अपने कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फिफ्थ पॉइंट. इट कैन फ्लो. यस, लिक्विड कैन फ्लो. लिक्विड में फ्लोइंग टेंडेंसी होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लाइटली लेस होता है सॉलिड से, इसलिए ये फ्लो कर सकते हैं. इसमें फ्लूइडिटी नेचर रहता है, ये फ्लूइड भी कहलाते हैं. लिक्विड्स हमारे कैसे हो सकते हैं? मिल्क है, वाटर है, इंक है, ये सारे लिक्विड्स कहलाएंगे. इसी के बेसिस पर अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की. सो गैसेस, गैस लिखते. सी गैस, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम. तो गैस में कैसा हो जाएगा? गैस डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. इनका ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है. ये कुछ भी हो सकते हैं. अगर आपने सपोज रूम के अंदर गैस भी छोड़ी हुई है, तो रूम का कितना भी वॉल्यूम होगा, गैस उसको रिकवर कर लेगी. अगर आपने उसी गैस को किसी छोटे डब्बे में भी लीव किया हुआ है, तो वो उस डब्बे के वॉल्यूम को भी कवर कर लेगी. तो इसके लिए हम कह सकते हैं इसका ना तो कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है. सेकेंड पॉइंट करते हैं, लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस मच. हाईली कंप्रेसिबल गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. अगर आप सपोज किसी नोजल के अंदर सॉलिड भरते हैं और कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा. लिक्विड को करेंगे बहुत स्लाइटली होगा, लेकिन अगर गैस को करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हद तक कंप्रेस किया जा सकता है. इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सीएनजी इज़ अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस.
आप देखते हैं हमारे घरों के अंदर जो सिलेंडर आते हैं उसमें एलपीजी भरा होता है, क्या आप जानते हैं कि उस सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है एक्चुअली वो लिक्विड फेस में होती है। जैसे ही आप गैस की नॉब को ओपन करते हैं वो एटमॉस्फेयर में आकर उसका प्रेशर कम होता है और वो डायरेक्टली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर हम सीएनजी की बात करें, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो आजकल ऑटोमोबाइल्स में सिलेंडर रखे रहते हैं जो कंप्रेस नेचुरल गैस से चलाए जाते हैं, उसमें भी गैस को कंप्रेस करके रखा होता है। इस तरह से हम गैस की ज्यादा क्वांटिटी को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर बंद कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। थर्ड बात करते हैं, लिक्विड इज लेस डेंसर देन सॉलिड। गैसेस हैव लो डेंसिटी, गैसेस हैव लो डेंसिटी, यस इट्स करेक्ट, दे आर वेरी लाइट, इसलिए उसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं, फोर्थ नंबर, लिक्विड कैन नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, दैट गैस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, गैस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। देखिए आप गैस को किसी भी तरह के बर्तन में या कंटेनर में रखेंगे वो उसी को, उसी के पूरे वॉल्यूम को घेर लेगा। इस वॉल्यूम को घेरने का रीजन क्या होता है? सबसे पहली चीज, गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड चीज, इनका जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ मूव कर जाती हैं और कंटेनर का जो भी शेप है उसको फिलअप कर लेती हैं। सो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि गैस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, वाई? सो इसका रीजन होता है, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, गैस हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। इन दो रीजंस के चलते गैस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि गैस को आप अगर एक छोटे बलून में भरते हैं और एक बड़े बलून में भरते हैं तो वो उसका शेप क्यों ले लेता है? बड़े बलून का शेप अपना आता है और छोटे बलून का अपना आता है। उसका रीजन हम लिखेंगे, गैस कैन टेक द शेप ऑफ द बलून, डिफरेंट बलून, बिकॉज गैस हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, सो दैट्स व्हाई दे कैन मूव हेयर एंड देयर एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर और टेक ऑफ कैन टेक द शेप ऑफ द बलून। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, इट कैन फ्लो, यस गैसेस आर ऑल्सो कैन फ्लो, गैस कैन फ्लो, रीजन फ्लो होने का लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैसेस में लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये यहाँ से वहाँ फ्लो कर जाती हैं। अगर हम यहाँ से एक गैस को मूव कराएंगे या गैस को छोड़ देते हैं तो दूसरे कॉर्नर में अपने को उस गैस का स्मेल आ सकता है, उसका रीजन ही होता है गैस कैन फ्लो। LPG गैस की स्मेल, अगर मान लीजिए गैस नॉब ओपन है और बंद है तो वो फैलना शुरू हो जाती है, फैलना शुरू हो जाएगी और आपको जितनी भी दूरी पे खड़े हुए हैं अपने घर में आपको वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। उसका रीजन है क्योंकि वो फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती है, इस वजह से आप उसको स्मेल कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, LPG में स्मेल कैसे आती है? तो देखिए LPG का खुद का स्मेल कुछ भी नहीं होता है, LPG में इथाइल मरकैप्टन एक सब्सटेंस मिलाया जाता है, इसका स्मेल होता है रॉटन फिश की तरह। जैसे ही आपकी सपोज गैस लीक होना शुरू हुई तो इथाइल मरकैप्टन भी उसके साथ मूव करता है और उसकी स्मेल अपने को आती है। अगर प्योर LPG भरा जाए तुम्हारे सिलेंडर में तो कभी भी स्मेल नहीं आएगा। सो इथाइल मरकैप्टन इज अ सब्सटेंस विच कैन क्रिएट द स्मेल, जिससे तुरंत हम डिक्टेट कर सकते हैं कि गैस लीक हो रही है और नॉब को बंद किया जा सकता है, बिकॉज LPG इज वेरी डेंजरस, दे हैव द हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इस वजह से हमें इनकी लीकेज की प्रॉब्लम को हमेशा टेक केयर करना चाहिए। वेल, इसके बाद हमने लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी लिख ली है, तो आप गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टी को नोट कर सकते हैं। अब हम इसके आगे का सेगमेंट स्टडी करेंगे।
Now here, after discussing the property of solid, liquid and gas, one question rises. The question is, why solid, liquid and gases have different properties? जब ये तीन और एक ही फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने मैटर के किया उसके थ्रू आई है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्यों अलग अलग हैं और ये तीन स्टेट क्यों अकर होती हैं तो इसका रीजन है कि वाई सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस इज हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट ड्यू टू डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में अलग अलग है इसीलिए मैटर की ये तीन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं जैसे हमारे पास कौन सी हो चुकी है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे हाईएस्ट देन लिक्विड्स में एंड देन गैस में अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी बात करते हैं कि सेकंड क्या रीजन हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड गैस हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टी सो ड्यू टू डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी कैसे हो सकता है सॉलिड्स में हो सकता है देन लिक्विड्स में हो सकता है एंड देन गैस में हो सकता है सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किस में होती है गैसेस में देन लिक्विड में देन सॉलिड में तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी दीज आर द टू बिगेस्ट रीजन की मैटर की तीन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी डिफर हो जाती है वेल एनीवे आफ्टर दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो कहलाती है डिफ्यूजन सो नाउ वी टॉक अबाउट द डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है देखिए मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल कैसे हो सकता है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल सपोज आपने है ना एक कंटेनर लिया कंटेनर में वाटर है इंक उसमें डाल दी थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि पूरा कलर उसका ब्लूइश हो जाता है या ब्लैकिश हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द इंक ऐसा क्यों हो जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं जिसकी वजह से ये कलर अपीयर हो जाता है सो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इस जो ये प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई है इस प्रॉपर्टी को एक्चुअली हम बोलते हैं डिफ्यूजन सो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच दैट पार्टिकल आर मिक्स टुगेदर एंड दैट इज दिस प्रॉपर्टी अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल तो आप लिख सकते हैं डिफ्यूजन इज अ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल डिफ्यूजन इज मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स or substance due to movement of particles due to movement of particle सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि डिफ्यूजन गैसेस में कैसे देखा गया है डिफ्यूजन लिक्विड में कैसे देखा गया है और डिफ्यूजन सॉलिड में कैसे देखा गया है सो एग्जाम्पल में लिखेंगे डिफ्यूजन इन गैस देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं सपोज आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसको आपने यहां तो एयर प्रेजेंट है और यहां प्रेजेंट है ब्रोमीन गैस ब्रोमीन गैस का जो कलर होता है दैट इज ब्राउन इसको आप किस तरह से कर रहे हैं आप दो टेस्ट ट्यूब लीजिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपने ब्रोमीन गैस भरी हुई है जो ब्राउन कलर की है एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब में सिंपली एयर है आप इस टेस्ट ट्यूब को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिक्स कर दीजिए उल्टा लगा दीजिए आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद क्या होगा ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं पूरा टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ब्राउन कलर आ जाएगा पूरे में ब्राउन कलर आ जाएगा उसका रीजन है ये जो ब्रोमीन गैस के पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग विद द एयर तो इस वजह से ये पूरी टेस्ट ट्यूब कैसे हो गई है ब्राउन कलर की हो गई है सो हम कह सकते हैं दैट ब्रोमीन गैस डिफ्यूज विद द एयर पार्टिकल ड्यू टू द डिफ्यूजन एंड दैट मेक दैट द होल टेस्ट ट्यूब इन ब्राउन कलर
सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल परफ्यूम स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम। आपने देखा होगा घर में डिओड्रेंट वगैरह लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, तो जैसे ही हमने परफ्यूम लगाया उसकी स्मेल चारों तरफ आने लगती है। उसका रीजन ही है कि परफ्यूम पार्टिकल डिफ्यूज विद द एयर पार्टिकल एंड दे कैन स्प्रेड द स्मेल ऑफ द परफ्यूम। सो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैस। अगेन थर्ड बात करते हैं, थर्ड अगरबत्ती। दैट अगर फ्रेग्रेंस स्टिक को हम बर्न करते हैं उसकी स्मेल हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक समझ आती है। इसका रीजन होता है उसके पार्टिकल एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग, और जिसकी वजह से हमें फ्रेग्रेंस का स्मेल फ्रेग्रेंस हमें पता चल जाती है। फूड, फूड का जो स्मेल होता है वो भी हमें पता चल जाता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में। द रीजन इज दैट कि जो फूड पार्टिकल हैं दे स्टार्ट मूव विद द एयर पार्टिकल और जो हमारे नोज तक पहुंचते हैं और जिसकी वजह से हमें फूड का स्मेल भी पता चल जाता है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो डिफ्यूजन बताते हैं गैसेस में। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो डिफ्यूजन बताते हैं लिक्विड्स में। उसके पहले आप इसको नोट कर लें और फिर हम लिखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। नाउ एग्जाम्पल द डिफ्यूजन इन लिक्विड। देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा जब आप लिक्विड्स के अंदर KMnO4 का पीस डालते हैं, दैट इज पर्पल या वॉलेट इन कलर। थोड़ी देर के बाद पूरा कंटेनर कैसा हो जाएगा, दैट इज पर्पल, बिकॉज KMnO4 का जो पीस है वो वाटर के साथ डिफ्यूज हो गया है, उसके पार्टिकल डिफ्यूज हो गए, मूव करने लगे, जिसकी वजह से इसका कलर पूरा का पूरा कैसा हो चुका है, पर्पल कलर का हो चुका है। द सॉल्यूशन बिकम पर्पल ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ KMnO पार्टिकल इन टू द वॉटर पार्टिकल। नेक्स्ट देखिए कॉपर सल्फेट, सेम एक्सपेरिमेंट, वॉटर है, इसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया CuSO4, दैट इज ब्लू इन कलर। जैसे ही आपने ब्लू इन कलर को डाला, कॉपर सल्फेट को डाला, थोड़ी देर के बाद पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। द सेम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट पार्टिकल डिफ्यूज विद द वॉटर पार्टिकल एंड मेक सॉल्यूशन ब्लू। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड देखिए, आपने वॉटर में इंक डाल दिया, दिस इज वॉटर, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा पूरा वॉटर का इंक कलर की तरह, पूरा इंक कलर आ जाएगा, चाहे वो रेड हो, ब्लू हो या ब्लैक हो, एनीथिंग, जो भी आपने इंक डाली है पूरा का पूरा पानी उसी कलर का हो जाएगा ड्यू टू द डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इन वॉटर। डिफ्यूज इन वॉटर, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व होने की वजह से ये जो CO2 है, ये प्लांट इस CO2 को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर देयर फूड, जितने भी एक्वाटिक प्लांट होते हैं वो। प्लस जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के लिए यूज कर सकते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिजोल्व है वो यूटिलाइज कर ली जाती है एक्वाटिक प्लांट के थ्रू और एक्वाटिक एनिमल्स के थ्रू। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू एग्जाम्पल विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड, एंड सॉलिड किस तरह से डिफ्यूज होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं सॉलिड का डिफ्यूजन पॉसिबल है या नहीं है?
देखिए अगर एक नजर में देखें तो सॉलिड का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से मूवमेंट कैसे होगा सॉलिड में? सॉलिड में मूवमेंट नहीं हो सकता है। हमने पढ़ा भी है कि सॉलिड कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट मूव। बट द थिंग इज दैट सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ही एक्सेस पे मूव करते हैं। किस तरह से? देखिए सपोज ये है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, दे मूव ऑन इट्स एक्सेस, अपने एक्सेस पे मूव करते हैं। अपने एक्सेस पे मूव करते हैं तो बहुत ही कम मूवमेंट पॉसिबल होता है। इस कम मूवमेंट पॉसिबल की वजह से यहाँ पर बहुत ही डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होता है। और इस स्लो डिफ्यूजन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कभी भी आप इस चौक से बोर्ड पर लिखिए, बोर्ड पर लिखकर छोड़ दीजिए 10 दिन के लिए, when यू केम बैक आफ्टर 10 डेज आप देखना कि उस चौक से लिखा हुआ जो चीज है उसको मिटाने में आपको प्रॉब्लम होगा। इसका कारण होता है कि जो बोर्ड के साथ चौक पार्टिकल है वो स्लाइटली डिफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है। दो स्टोन, अगर दो स्टोन को आप बहुत जोड़कर रख देते हैं और सालों के बाद आकर देखते हैं तो आप देखना वो दो स्टोन आपस में जुड़ चुके होते हैं। इसका रीजन है उनके पार्टिकल्स में डिफ्यूजन हो चुका होता है। सो बट द डिफ्यूजन रेट इज वेरी वेरी स्लो, इस वजह से ये लेते हैं ईयर्स। आप चौक, आप बोर्ड को गीला कीजिए, उसके ऊपर चौक से लिख दीजिए, फिर ही देखिएगा थोड़ी देर के बाद है ना उसको मिटाने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो डिफ्यूजन वहां क्रिएट हो चुका है। सो सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही धीमा है लेकिन होता है। सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन किस में होगा? गैसेस में, क्योंकि इनके बीच का काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, इस वजह से ये मूव फास्ट करते हैं और मूवमेंट ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सो गैसेस में हाईएस्ट डिफ्यूजन, देन लिक्विड में एंड देन सॉलिड में। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि विच डिफ्यूज फास्टर, सो गैस डिफ्यूज फास्टर एंड सॉलिड का डिफ्यूजन सबसे स्लो है। इन एग्जाम्पल्स को जो हमने डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स लिखे हैं इनको आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिए और याद रखिएगा। एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट करते जाइए हर एक चीज, प्रॉपर नोट्स बना के तैयारी करेंगे, लिखते हुए तैयारी करेंगे तो प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होगी। वन मोर क्वेश्चन इज कम्स डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में हम बताते हैं कि है ना इट्स अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से होता है, लेकिन कभी सोचा है कि डिफ्यूजन के रेट को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो सी, डिफ्यूजन को हम बाय यूजिंग टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सकता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिलेगा और ये हीट एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो उसका मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, और मूवमेंट बढ़ा तो डिफ्यूजन बढ़ गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डिफ्यूजन को किस तरह से एनहांस किया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर होता क्या है एक्चुअली? टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर लेना ही या उसकी हॉटनेस को मेजर करना ही टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर की यूनिट्स के बारे में हमें यहाँ स्टडी करनी है, टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं। तो टेम्परेचर की बेसिकली हमने यूनिट्स पढ़ रखी हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। केल्विन जो यूज है दैट इज द एसआई यूनिट है, एंड डिग्री सेल्सियस हम यूज करते हैं एमकेएस सिस्टम में। इस यूनिट में हमें कन्वर्जन सीखना है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में किस तरह से चेंज किया जाता है। तो देखिए द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस। इसको हम मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे जाएंगे एंड डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट कन्वर्जन में जो मैं लिख रही हूँ, टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस इज द कन्वर्जन कि हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो फ़ारेनहाइट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में 9/5 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसमें 32 ऐड कर देंगे। सपोज एग्जांपल, हमें सपोज करना है 40 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट इनटू द डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ टी डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इज इक्वल टू 9/5
50 डिग्री सेल्सियस कितना है 40 प्लस 32 कैंसिल किया कितना आ गया 72 प्लस 32 2 प्लस 2 4 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से हमारा टी डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए या डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। सपोज सेकेंड क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 48 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कीजिए डिग्री सेल्सियस में। कैसे करेंगे? हम जानते हैं टी डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इज इक्वल टू 9/5 टी डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, करेक्ट? फ़ारेनहाइट की जगह हम लिख देंगे 48 इज इक्वल टू 9/5 टी डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो 48 माइनस 32 विल बी इज इक्वल टू 9/5 टी डिग्री सेल्सियस। माइनस किया कितना आंसर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 9/5 टी डिग्री सेल्सियस। सो टी डिग्री सेल्सियस विल बी इज इक्वल टू 5 × 16/9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में 80/9 हमारा डिग्री सेल्सियस आ गया। अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। किस तरह से करेंगे? तो देखिए, टी डिग्री केल्विन विल बी इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। This is the second important conversion and Kelvin is a standard unit SI system में हम इसको लेते हैं। हमेशा most of the question Kelvin में ही calculate किए जाते हैं और ये वाला Fahrenheit और degree Celsius conversion है। Suppose question आता है 25 degree Celsius को आपको convert करना है Kelvin में, degree नहीं लगाएंगे। So T Kelvin will be is equal to 25 रखेंगे डिग्री सेल्सियस की जगह प्लस 273, आंसर कितना आ जाएगा 298 केल्विन। सिमिलरली सपोज हमने क्वेश्चन रखा 100 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट कीजिए केल्विन में। सो टी केल्विन विल बी इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आप डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे 373। सपोज आपके पास 300 केल्विन है और इसका क्वेश्चन आया कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें। फॉर्मूला है हमारे पास केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन हो गया 300 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सो टी डिग्री सेल्सियस विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स हैं टेम्परेचर की जो अपने को स्टडी करनी थी। और इस चीज़ को भी याद रखना है कि डिफ्यूजन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। आफ्टर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जब भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों फिजिकल स्टेट प्रेजेंट रहती हैं, तो इनको आपस में इंटरचेंज किस तरह से किया जा सकता है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आफ्टर दिस यू जस्ट नोट डाउन एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कन्वर्टिंग इन ईच एंड एवरी फेज़।